बारिश के मौसम में शहर में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य विधानसभा से विधायक अभिलाष पांडे के नेतृत्व में 4 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले शिविर का आयोजन मनमोहन नगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में 4 सितंबर को लगाया गया था और अगले शिविर का आयोजन स्नेह नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिनांक 9 सितंबर को लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और उन्होंने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। इस मौके पर श्री अन्न के बारे में भी जानकारी दी गई और इसके लिए अलग से स्टॉल लगाया गया था। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विधायक अभिलाष पांडे ने बताया कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन आगे भी 2 और किए जाने हैं, जिससे लोगों में स्वास्थ्य लाभ किया जा सके। ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और अन्य बीमारियों से संबंधित पूरे इलाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से बिल्कुल निशुल्क की जा रही है। लोगों को श्री अन्न के विषय में भी जानकारी दी जा रही है, जो बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। इसके लिए अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है। आज उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत स्नेह नगर में एक हेल्थ कैंप आयोजित किया गया है। इस हेल्थ कैंप को हम 4 हेल्थ कैंप हमारे उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पहला हेल्थ कैंप हमने 4 तारीख को मनमोहन नगर अस्पताल के पास आयोजित किया। आज दूसरा हेल्थ कैंप हमारा स्नेह नगर पे है। 11 तारीख को हम उभरी चौराहे पर एक हेल्थ कैंप आयोजित करने वाले हैं और 13 तारीख को हम कोतवाली के पास इस कैंप को आयोजित करने वाले हैं। मेरी मंशा है कि उत्तर मध्य विधानसभा में रहने वाले हर नागरिक को स्वास्थ्य का लाभ मिले और उनको किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई समस्या है तो इन कैंपों पे वो आए, उनकी हम जांच भी कर रहे हैं, आंखों की भी जांच करा रहे हैं और निःशुल्क हम उनका आँख का ऑपरेशन भी करेंगे, उनको चश्मे भी वितरित करने वाले हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, साथ ही हमारे अस्थि रोग, शिशु रोग, आई टेस्ट और श्री अन्न जो मोटा अनाज है उसके भी काउंटर अलग अलग जगह हमने लगाए और हमारी मंशा है कि सबका इलाज हो, सब मलेरिया स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। 4 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं और साथ ही श्री अन्न शिविर है, पहला मनमोहन नगर में हुआ, सभी जनता को यहाँ पे भी लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। यहाँ पर भी सारे लोग आज गाँव से लेकर ज्यादातर सभी आदमी रुका। मेरी मंशा है मुख्यमंत्री सरकार का नहीं करता, स्त्री लोग जो शिक्षक हैं उनके पास में हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा मंशा से मेडिसिन में मैंने जैसा बताया बुखार के नहीं जाने हैं तो यहाँ हम लोगों ने मन से डेंगू चिकनगुनिया के बारे में भी जागरूकता के बारे में एक कर्मचारी ने लोगों को परिचित कराया कि ये बीमारी को कंट्रोल कैसे करना है, जनता का क्या सहयोग चाहिए। सभी दवाइयाँ हैं, ब्लड टेस्ट हैं, डॉक्टर्स अलग अलग विधाओं के उपलब्ध हैं। 2 कैंप आगे और हम लोग आयोजित करने वाले हैं। क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डेंगू वगैरह से बचाव के लिए स्वयं थोड़ा जागरूक रहे, घर के आसपास पानी में रखता हूँ, बाहर आने पर डॉक्टर के पास जाए, घर के मिलों में पानी वगैरह से रहें, घर के आसपास पानी यदि संचित करना है तो खाकर घर के आसपास यदि पानी जमाएँ तो मिट्टी का तेल या बना हुआ आपको स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। इस स्वास्थ्य शिविर में जो श्री अन्न है इसके बारे में बताइएगा। आज जो स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है उसमें हमने महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से श्री अन्न से संबंधित जो भी व्यंजन हमारे पौष्टिक हैं उनको बनाते हुए एक व्यंजन प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें हमने प्रयास किया कि जो लोग मोटे अनाज की रेसिपी के बारे में समझे कि जो मोटे अनाज है उनका उपयोग करके हम बहुत पौष्टिक रेसिपी बना सकते हैं और उसका उपयोग करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं, महिलाएं बच्चे सरकार में खा सकते हैं क्योंकि उसमें रिच प्रोटीन, रिच कैल्शियम, रिच विटामिन होते हैं ताकि उसका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मणि शर्मा है, मैं पर्यवेक्षक हूँ महिला एवं बाल विकास विभाग में, परियोजना शहरी क्रमांक 3।